हमारे ग्राम संगठन का नाम है धनलक्ष्मी ग्राम संगठन और क्लस्टर संगठन का नाम है वन देवी राजीविका महिला बहुउद्देश्य सहकारी समिति लिमिटेड सोरडी। उसमें लेखापाल के पद पर भी कार्यरत हूँ और ब्लॉक आनंदपुरी और जिला बांसवाड़ा से IUCLF बनाने के लिए आपका सबसे पहले मैं आपको सामने भी बता दिया, लेकिन कहना चाहती हूँ राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत आनंदपुरी ब्लॉक भटलिया क्लस्टर खटवा गांव गुरु गोविंद समूह की स्थापना की गई थी। मुझे गर्व हो रहा है कि सबसे पहले हमारे आनंदपुरी में शुरुआत की गई थी और एक हमारे MLA साहब ने एक पौधा लगाया था, अभी वो पौधा एक वृक्ष बन गया है बड़ा। और मैं अपनी केस स्टडी सुनाने जा रही हूँ। समूह के पहले मेरी क्या स्थिति थी और समूह के जुड़ने के बाद मेरी क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि समूह के जुड़ने से पहले हम जो आपकी स्थिति है ना, वही स्थिति मेरी थी। मेरे तो सास ससुर भी नहीं है, मैं और मेरे पति दोनों ही है। पति जाता था अहमदाबाद और मैं रहती थी घर। एक टू महीने मेरा समूह जुड़ा था और उसमें मुझे बीके का काम दिया था। मैंने बीके का काम किया 6 महीने तक, तो मैंने मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने भी कोई नहीं मिल रहा, ये समूह में नहीं रहना, इनको क्या मना भी करती है। लेकिन फिर एक टू महीने महिला आई, उन्होंने बताया कि दीदी अभी पैसा T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको आमदनी भी होगी। फिर हमने 20-20 रुपए की बचत की। बचत महीने में 800 रुपये होती थी हमारी, 800 रुपये होती थी। किसी महिला की 200 रुपये की जरूरत पड़ती थी, 300 रुपये की जरूरत पड़ती थी। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ही पड़ती थी क्योंकि मेरे पास पैसा ही था न घर था। आप जानते होंगे मेरा घर होगा लेकिन मेरे वो झोपड़ी बनाते हैं खजूर की फोड़े की, वही झोपड़ी सच में यहाँ अमृतलाल जी देखी है, उनको भी पूछे ना, सच में मेरी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 3 साल तक रही मैं, 3 साल तक। जब बारिश आती नहीं आप छाता पकड़ता हो, मैं मिनिया पकड़ती थी, मैं और मेरा पति दोनों। सही में सर मेरी स्थिति यहाँ अमृतलाल जी को पूछ लेना, हमारे गाँव से ही है। तो फिर मैं समूह में जुड़ी, मुझे बीके का काम दिया, उसमें 200 रुपये मिले। फिर मुझे वीओ का काम दिया। वीओ का काम मैंने 3 महीने तक नहीं किया, मुझे नहीं आता था। जैसे ये प्रीति दीदी कर रहे ना वैसे कर रही थी, मुझे नहीं आता था। फिर जैसे जैसे क्लस्टर में बुलाया गया, प्रशिक्षण दिया गया, हर 5 तारीख को वीओ का काम रिकॉर्ड का प्रशिक्षण देते थे, तब मैं जाती, रोज जाती। कोई पैसा नहीं मिलता था मुझे, अगर मेरे पास पैसा भी नहीं होता मैं छल के जाती थी किसी के साथ। जब आप अभी कर रहे हो ना, किसी के PRP था, आंध्र प्रदेश से PRP थे, दीदी छोड़ दूं तो नहीं, अगर छोड़ देगा तो मुझे घर वाले देखेंगे, मेरे काका ससुर बाबा ससुर देखेंगे तो दूसरों के साथ घूम रही है। लेकिन मैं भी यही सोचती थी, अपनी सोचती को पहले मैं भी ये सोचती नहीं, मैं छल के ही जाऊँ, किसी आदमी के पराया के साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूसरा दिन विवाह का काम करके फिर मुझे 500 रुपये मांगे, पूरे 200 रुपये समूह से मिलते, 500 रुपये विवाह से मिलते, 700 रुपये में पूरा घर चलाती और आदमी को तो भेज दिया था अहमदाबाद में। 700 रुपये में पूरा घर चलाती। मेरे 4 पहले T1 मिला, उसके बाद T1 में से मैंने 3000 रुपये ही लिए, मेरे पास फिर भरने के लिए पैसा नहीं था ना, इसलिए 3000 रुपये लिए। 3000 में से मैंने एक ही बकरी खरीदी। एक बकरी खरीदी और मेरा दरवाजा नहीं था तो उस दरवाजे के लिए पैसा बचा के रखा था। फिर धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ती गई, 700 रुपये हर महीने मिलते गए मुझे। इस महीने 700 मिले, उस महीने 700, अकेली थी, बच्चे तो थे नहीं उस टाइम। तो फिर मेरी बचत करके मैंने एक और बकरी खरीदी, 2 बकरियाँ हुई और मेरे पीएस से मैंने मुझे 1 बकरी और दी, 3 बकरियाँ हुई। फिर 3 बकरियाँ का मैंने पालन किया। उसके बाद MCLP कैडर के रूप में ट्रेनिंग लिया मैंने। MCLP भरने जाती बकरी को चारा पानी सब करके फिर MCLP भरने जाती गांव में, राउंड में भेजने के लिए बताया गया PRP से द्वारा।
लेकिन मैं राउंड में नहीं गई, घर की समस्या के कारण राउंड में नहीं जाना जा रही थी। उसके बाद मुझे बकरियां धीरे धीरे तीन की भी आई तो मेरे दो दो बच्चे डाले तो छह बच्चे वो हो गए, तीन बकरियां हो गई, नौ बकरे। 500 रुपये मिलते समूह से, 200 रुपये मिलते, यूं करके मेरी आमदनी धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद डेढ़ साल तक मैंने VOA का काम और ये BKA का काम, MCLP का काम ही करती रही। मेरी और हिम्मत बढ़ती गई कि मैं और काम कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने फिर मुझे 3000 वहाँ से मिलते गया, वैसे मेरी हिम्मत और बढ़ी, फिर आगे बढ़ती गई। फिर एक साल मुझे क्लस्टर में लगा, एक साल सीखने के लिए, एक साल